शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम्हारे किस रूप को असली माना जाए? अपने यहाँ आने की वजह बताना चाहता हूँ। विकी आ रहा है और काजल घर में नहीं है, मगर इन दोनों की शादी के बाद ये इस सगाई को रोकने की मुकम्मल कोशिश है। किशन, इन आंसुओं की डोली में आज मेरा दर्द विदा हो रहा है। दादा, देखो हमारे घर कौन आया है। ये आज से ये दोनों यहीं रहेंगे। इस मेहरबानी से पहले मैं वह वजह जानना चाहता हूं जिसने आपको यकायक बदल दिया। वो शख्स जो चंद घंटे पहले बच्चों जैसी हरकतें किया करता था, जिसमें ना बात करने का सलीका था ना सोचने समझने की सहालियत, अचानक उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो अकेला बहुत से गुंडों का मुकाबला कर सके। तुम्हारे किस रूप को असली माना जाए, ये या वो? हकीकत क्या है और नाटक कौन सा? बोलिए, जवाब दीजिए। तुम खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? बोलिए, सच क्या है? नमस्ते जी, तुम्हारी तपस्या भगवान ने पूरी कर दी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। भाभी जान, भाभी जान, आजा। क्या हुआ बटन भाई, क्यों इतने पसीने पसीने हो रहे? आपके शोहर की लखनवी शेरवानी और अवधी पजामा सीने के चक्कर में हम इतना दौड़े हैं कि वो पीटी उषा भी क्या ओलंपिक में दौड़ी होगी। बस उनके डील डॉल उनके नाप का कोई आदमी मिल जाए ना, तो हम उसका नाप लेकर उनके कपड़े सी डाले। अरे मिल गया भाभी जी, मिल गया, आपका काम हो गया, समझ लो। अरे आधा वर्ष हुजूर। आदाब। नाचीज को बटन अली शेरवानी कहते हैं। कहीं वालिद का नाम सुई खान कैंची तो नहीं? अरे सही पहचाना, आपको कैसे मालूम? क्या चाहिए?
आपका नाप चाहिए हुजूर। क्या मतलब? ये मोहतरमा जो है ना, उनके खाबीन है, दुनिया का आठवां अजूबा है। उम्र में हो गए आप जितने, लेकिन नामकूल बच्चों जैसी हरकतें करता है। शैतान भी उस गली में नहीं जाता जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ होता है। अच्छा तो बस एक बार आपका नाप मिल जाए ना, तो इनके खाबीन के जन्मदिन का जोड़ा सिल जाए। ठीक है, मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। इजाजत लेनी पड़ेगी? किसकी? एक औरत से। अरे हद होती है शराफत की। नाप आपका लेना है और आप औरत की इजाजत लेना चाहते हैं? क्या करें, वो औरत मेरी बीबी जो है। तो इजाजत लेनी ही पड़ेगी। चलिए चलिए जनाब। ये अल्लाह हुजूर, आप अभी जाना, आपने बताया नहीं, आप ठीक हो गए? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, खुदा आप दोनों की जोड़ी को ता कयामत तक सलामत रखे। ये तो बहुत कम है। खुदा इन्हें लंबी उम्र देना। ये अच्छा हुजूर, चलते आदा। अरे कहाँ जा रहे हैं, नाप तो लीजिए। अरे भूल गया, आप मेरा नहीं, इन सब का लीजिए और इनके लिए कपड़े बनवा दीजिए, पैसे मुझसे ले जाना। आदाब। आदाब। खुदा तेरा हर काम निराला है। आओ भैया आओ, अपने अपने नाप दे दो। आइए आइए आइए, भैया क्या कर रहे हो? अरे रुको, गुदगुदी हो रही है। क्या कर रहे हो भैया? गिर जाऊंगा मैं। अरे बबलू, ये क्या कर रहा है तू? हम लोग तो चार हैं, तू पांच क्यों लिख रहा है? इसीलिए आदमी का थोड़ा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अरे एक मैं, दूसरा तू, तीसरा चिंटू, चौथा हरबू और पांचवा अपना किशन। हुए ना हम पांच, एक मुट्ठी की पांच उंगलियां। लेकिन बबलू अंगूठा गुल हो गया है, किशन अभी अपनी टोली में नहीं है। सब बोलते हैं कि वो एकदम बदल गया है, इसीलिए तो इतने दिनों से हमारे साथ खेलने भी नहीं आया। देख आ गया अपना अंगूठा। किशन, ए किशन, कहाँ था तू इतने दिनों से? बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, इसे बदतमीजी कहते हैं। ये क्या उठपटांग लेकर दीवार खराब कर रहे हो? चिंटू बोल रहा था किशन बदल गया है। इतना फास्ट? क्या खुसर फुसर कर रहे हो? तेरा स्टाइल जो बदल गया है। मैंने कहा था ना कि बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। अभी तो एकदम से बड़ा हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करें? ए बबलू, दीवार साफ कर दे इसकी, नहीं तो ये हमें मास्टर जी की तरह सिखाने लगेगा। अरे तुम लोग तो नाराज हो गए। खुश होने का कोई काम किया है तूने? चलो रे। मैं शर्त लगाता हूँ, तुम लोग जा नहीं सकते। कौन रोकेगा हमको? ये चॉकलेट मीठी होती है, लेकिन दोस्ती उससे भी ज्यादा। जब वही खट्टी हो गई तो इसका क्या करेंगे? इस तरह टहलने से क्या मेरी बेटी घर आ जाएगी? इस शहर में इतने बड़े आदमी हैं आप, नाम है, पैसा है, पहुंच है, फिर कुछ करते क्यों नहीं? पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अरे बहना, मैंने जीजा जी को कितना समझाया कि पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दें, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है बाकी। क्या चाहते हो तुम लोग, अखबारों की सुर्खियों में यह लिखा जाए कि सेठ दुर्गेश महेश्वरी की बेटी एक दो टके के लौंडे के साथ भाग गई?
तुम्हारे शहर में मेरी इज्जत का तमाशा बने? अरे बांके के होते हुए आपकी इज्जत का तमाशा कैसे हो सकता है जीजा जी? वो लौंडा मेरे आदमियों की तलवार से ज्यादा दूर नहीं। बहुत जल्द उस हराम की जने की लाश आपके कदमों में होगी। बांके, तुम्हारे उन गुंडों को कह देना कि अपने हथियार जरा संभाल के चलाए, क्योंकि उस दो टके के लौंडे के साथ सेठ महेश्वरी की बेटी भी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं काजल, तुम्हारी तस्वीरें इस घर में क्या कर रही हैं? क्या रिश्ता है तुम्हारा किशन से? मुझे खुद नहीं मालूम राजा। नहीं मालूम या बताना नहीं चाहती? तुम होश में तो हो राजा? नहीं हूं, मैं होश में नहीं हूं काजल। सवालों की बर्छियां हैं जो मेरे दिलो दिमाग को छेद रही हैं। किसी करवट चैन नहीं है मुझे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की की खातिर मैंने अपनी मौसी तक गंवा दी, जिसके पागलपन में मैं अपनी जान हथेली पर लिए भागा भागा फिर रहा हूं, वो देखो काजल, इन तस्वीरों का ताल्लुक तुमसे है और तुम्हारा ताल्लुक मुझसे, लेकिन किशन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे पहले किशन को जानती हो, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा और किशन का जायज नाजायज कोई ना कोई संबंध है। हाँ संबंध है, हाँ इसका और मेरा संबंध है। और यह भी सच है कि तुमसे पहले मैं इसकी जिंदगी में शामिल था। उस वक्त से जब इसके हाथों से खिलौने भी नहीं छूटे थे। भैया भैया दिखाइए ना भैया। नहीं प्लीज भैया, भैया नहीं। अरे क्या हो रहा है ना भाभी? भैया हमारी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, दिखा दो ना। देखो राधा मेरी बात सुनो, मैं इसे समझा रहा हूँ कि ये तस्वीरें एक बंदरिया की हैं, लेकिन ये मानती ही नहीं। बंदरिया की है तो बंदरिया किसे दिखाई? हमें अगर बंदरिया बुरा मान गई तो ठीक है, मत दिखाइए। ये क्या कर रही हो भाभी? हाँ तुम चुपचाप खड़ी रहो दो मिनट। खुल जा सिम सिम। भैया अगर आप काशकार ना होते तो बहुत बड़े फोटोग्राफर होते। है ना, हर तस्वीर लाखों में एक। और ये बंदरिया? करोड़ों में एक। और हमारे भैया भाभी सारी दुनिया में एक। आप अपने तौर तरीके बदल लीजिए, भाई बहन तो ऐसे झगड़ते हैं कि पूछो मत। अब ये बच्ची नहीं रही, पूरे 18 साल की हो गई है। क्या ये मेरी पगली 18 साल की हो गई है? अभी तक तो उसके कांधे से बचपना नहीं उतरा। एक हाथ शरारतों ने थमा है तो दूसरा बेवकूफी ने। कौन कहेगा कि ये 18 साल की हो गई है? आप क्या चाहते हैं, हम एकदम से सीरियस हो जाएं, एकदम से संजीदा खड़े हो? अरे बाबा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तेरी शोकी तो इस घर का उजाला है, तेरा बचपना इस आंगन की रौनक, और तेरी शरारतों में हम दोनों की जिंदगी सांस लेती। तिंग 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 तिंग। ये क्या किया भैया, हमारे बाल खराब कर? हमारे बाल खराब कर दिए? स्कूल जाने के लिए मैं ही तेरी चोटियां मनाया करता था। तेरी भाभी बहुत बाद में आई है मैडम। उस वक्त हम बच्चे थे, अभी कॉलेज जाते हैं। ओह गॉड, हम तो भूल ही गए हमें कॉलेज जाना था, हम तो चले। ए, जल्दी आना, तेरी बर्थडे की ड्रेस खरीदनी है। जी भैया। हर चीज उसकी पसंद की लाते हो, क्या दूल्हा भी उसकी पसंद का लाओगे? ऑफ कोर्स, जैसा तुमने पसंद किया था अपनी पसंद का दूल्हा। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो, वो आ जाएगी। अरे कोई नहीं आएगा। अच्छा भैया हम चले, बाय। ओके किशन साहब। अरे आओ महेश, बैंक से रुपया लाए हो? आज तो इतवार है। अरे हाँ इतवार है, तो ये किरण कहाँ गई? हैप्पी बर्थडे। भैया हमारा गिफ्ट? गिफ्ट मैं लाने वाला था, लेकिन तुम्हारी भाभी ने मना कर दिया, कहने लगी कि इस बार तोहफा हम दोनों मिल कर देंगे। तो दीजिए हमारा तोहफा। अभी लाई, पैकेज जरा बड़ा है। आइए। सूरज
सूरज जी शर्माइए मत। चलो ये लीजिए, कैसा लगा ये सरप्राइज पैक? Many happy returns of the day. Thank you. भाभी आप हमारी जासूसी कर रही थी। भाई जब चहेती ननद इतवार को भी कॉलेज जाना शुरू कर दे तो भाभी को तो शक हो गई। मैंने सोचा जरा पता तो करूं कि ये एक्स्ट्रा क्लासेस कहाँ हो रहे हैं और किस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इश्क के कॉलेज में मोहब्बत का सबक पढ़ाने वाले प्रोफेसर आप ही हैं। देखिए प्लीज आप और कुछ मत कहिए वरना मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगा। नर्वस लगते तो नहीं भाभी, मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि मैं किरण से प्यार करता हूँ। हाँ शर्मिंदगी है तो इस बात की कि आपको पता चलने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए। हमने कितनी बार कहा कि भैया से बात कीजिए लेकिन इनमें हिम्मत कहाँ। चलो हिम्मत हम कर लेते, तुम्हारे डैडी मम्मी से हम बात कर लेंगे। जी वो मम्मी डैडी तो इस दुनिया में नहीं है। हाँ बड़े भैया है। नमस्ते, मुझे चंद्र प्रकाश सानिया कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम किशन बंसीधर है। जानता हूँ भाई, इस इलाके के लोग तो क्या पेड़ पौधे भी आपके गुण गाते हैं। नए नए तरीकों से कम मुद्दत के अंदर आप फलों की ऐसी फसल करते हैं कि हर साल सरकार आपको इनाम देती है। कहने को तो ये काम खेती बाड़ी का है, छोटा काम है लेकिन अच्छी खासी जायदाद बना ली आपने। 70 एकड़ जमीन, पोल्ट्री फार्म, खुद की आलीशान कोठी। सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि मैं आपको तब से जानता हूं जब से आपके पिताजी मेरी खेती की मट्टी में गोबर मिलाने का काम करते थे। अब आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना प्लीज। जी हाँ, लोग कहते हैं कि जब तक पिताजी आपके बागों के साथ जुड़े रहे आपके फलों की मांग थी। वो क्या गए कि आपके दरख्तों ने भी दम तोड़ दिया। ठीक कहा आपने, वैसे भी फलों की तिजारत में दिलचस्पी नहीं रही, अब तो ठेका लेते हैं, जंगल के जंगल काट कर बेच देते हैं, यू नो टिम्बर, लकड़ा, वुड। अब आपकी आरियों में भी जंग लगने वाला है क्योंकि सरकार ने पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगा दी है। क्या फर्क पड़ता है, अब एक बिजनेस तो है नहीं हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कपड़ों की मिलें हैं, 200 ट्रक चलते हैं, दवाई बनाने की फैक्ट्री है, हमारे मजदूरों की मजदूरी इतनी है एक महीने की जो आप जिंदगी भर नहीं कमा सकते हैं। अब माफ करना किशन, मेरा मतलब आपको बेइज्जत करना नहीं था। नहीं चंद्र साहब, मुझे यकीन है कि आप इतने कमजर्त नहीं हैं कि घर आए हुए मेहमान को जलील करें। आखिर आपके घर के नमक की तासीर मेरे खून में है। ये तो आपकी बेबाकी देखकर ही लग रहा है। ये लीजिए शरबत पीजिए। चंद्र साहब, मैं आपको अपने यहां आने की वजह बताना चाहता हूं। मेरी बहन किरण और आपका भाई सूरज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं इस मोहब्बत को रिश्ते का नाम देना चाहता हूं। मुझे यकीन है अपने भाई की खुशी के लिए आप इनकार नहीं करेंगे। किशन बाबू, हमने सोचा था कि हमारे बर्ताव से आप मकसद की बात किए बिना ही चले जाएंगे, लेकिन सच कहा आपने, हमारे नमक की तासीर ने आपको इतना हौसला दे दिया कि आप रिश्ते की बात करने के लिए रुक ही गए। तो आप सुन, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? क्या कहा चंद्र प्रकाश ने, बोलिए ना। एक ग्लास
पानी ले आना। अभी लाई। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? कौन कहता है कि जमाना बदल गया है, जात पात ऊंच नीच का फर्क खत्म हो गया है। कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ। ठाकुर चंद्र प्रकाश सन्याल ने मुझे मेरी औकात बता दी है। उसने साबित कर दिया कि मैं तेरी पसंद का सुहाग का जोड़ा तो ला सकता हूं, लेकिन तेरी पसंद का सुहाग नहीं ला सकता। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा तेरी खुशी के लिए, उनके पैर पकड़ लूंगा, मगर तेरी शादी में नहीं करनी हमें शादी। हमारे भैया हमारा गर्व है। भीख में मिले सिंदूर को मांग में जगह देने के लिए हम अपने भैया को किसी के कदमों में नहीं बिखेर सकते। ये तिलक हमें सिंदूर की लाली से ज्यादा प्यारा है भैया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। हमारे भैया का अपमान करने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम्हारी नाराजगी गलत नहीं है किरण, लेकिन मैं भी तो गुनहगार नहीं। भैया ने तुम्हें अपनी बहू बनाने से इनकार किया है, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने से इनकार नहीं किया। इस दुनिया में ऐसे दौलतमंदों की कमी नहीं है किरण, जो सोने की प्लेट में खाना तो खाते हैं लेकिन ये नहीं मानते कि उसमें परोसी रोटी आटे की होती है। और वही दो वक्त की रोटी मैं तुम्हें पूरे मान सम्मान और प्यार के साथ देने का वादा करता हूं। अब बोलिए, आप अपनी बहन का हाथ इस गरीब के हाथ में देंगे? इजाजत मांगकर तुमने मुझे जो इज्जत दी है, तुम्हारे भाई की दी हुई जिल्लत भूल गया मैं। ये शादी होगी सूरज, और तुम देखना चंद्र प्रकाश खुद आशीर्वाद देने के लिए यहां चल कर आएगा। हरिओं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेव गणं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विन्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुवरवरणं सर्वलोकैकनाथं नमामि। ओम कन्या को बुलाइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुण्डरीकाक्षाय, मंगलम तनयो हरिः। घटिये ओम वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, गठबंधन कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। रुक जाओ, हैरान क्यों हो गए किशन बंसीधर? तूने तो हमें न्योता दिया था। अगर आशीर्वाद देकर बहू ले जाना है तो सर आंखों पर। बहू? अबे तेरी बहनों जैसी लड़कियों को तो हम नौकरानी तक नहीं रखते। चंद्र प्रकाश, आप ठाकुर सूरज प्रकाश की होने वाली पत्नी को गाली दे रहे हैं। गाली तो तू दे रहा हरामजादे, हमारे मान मर्यादा और सम्मान को जिनकी नजरें हमारे जूते से ऊपर तक उठती नहीं थी, आज तू उनको बराबरी का दर्जा दे रहा है। जिनके हाथ हमारी हवेली का कूड़ा करकट साफ नहीं कर सकते थे, उन्हीं की कलाई पर ठाकुर वंश के कंगन पहना रहा है। नहीं छोटे, नहीं, ये अनर्थ होने से पहले मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा मैं। चंद्र प्रकाश, शुभ कार्य में बाधा डालने की कोशिश मत कर। डर मत, अबे तेरी बहन की औकात तो इस बंदूक के कारतूस से भी बहुत कम है। लाश तो मेरे भाई मेरे छोटे की गिरेगी, जिसने हमारे खानदान हमारे कुल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। चंद्र प्रकाश,
अब ये तेरा भाई नहीं मेरी बहन का सुहाग है, और जब तक इस शरीर में सांसें हैं मैं अपनी बहन के सुहाग पर आंच नहीं आने दूंगा। किशन भैया, आपने अपनी बहन का हाथ ठाकुर सूरज प्रकाश सान्याल के हाथ में दिया है, किसी नपुंसक के हाथ में नहीं। और वैसे भी ठाकुरों के इतिहास में डोलियां लाशों के ढेर के ऊपर से भी उड़ जाती हैं। मैं देखता हूं यह शादी कौन रोकता है। आप आके गठबंधन करें। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए। ओम अभिनेता बिना साहा। किरण चलो यहां से। दिमाग के इस हिस्से में चोट लगने के कारण इंसान या तो कोमा में चला जाता है या फिर अपनी याददाश्त खो बैठता है। लेकिन आपके पति के साथ तो बहुत ही अजीबोगरीब हादसा हुआ है। वो इस चोट के कारण उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जिसे हम बचपन कहते हैं। आपके पति शरीर से तो एक मर्द हैं, लेकिन तौर तरीके, रहन सहन और बोलचाल से वो अब एक 6 या 7 साल के बच्चे बन चुके हैं। जिंदगी के वो 2 साल मैंने कैसे गुजारे मेरा भगवान ही जानता है। ये मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैं मायूस नहीं हुई। मैं जानती थी कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है और इसका नतीजा मेरे हक में ही होगा। और देखो ना, ऐसा ही हुआ। तुम दोनों इस घर में क्या आए, मुझे मेरा भगवान मिल गया और इन्हें
काजल के रूप में इनकी बहन किरण मिल गई। किशन भैया, किशन भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर शक किया। मुझे माफ कर दो। साल तक इकलाई सुनी रही ना, लेकिन जब तक मेरे जिसमें सांस है इकलाई कभी सुनी नहीं रहेगी। अपनी बहन की शादी का कर्ज मुझ पर उधार था, कर्ज तुझे डोली में विदा करके अदा करूंगा मैं। ना भैया ना, आपकी बहन तो डोली में उसी वक्त बैठेगी जब आप भाभी का भी उधार चुकता कर दोगे। इसका उधार? हाँ भैया, राम के वनवास में तो सीता उसके साथ थी, लेकिन इस राधा ने ये 2 साल का वनवास अकेले ही काटा है। 2 साल में जितने आंसू बहाए हैं उसके बदले उतनी ही खुशियां और प्यार डाल दो इनके दामन में। टमाटर डालो। हाँ? अरे अरे, एक मिनट, एक खास बात बताना तो भूल गया मैं। क्या? देखो ना, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? चाचा, मैंने क्या किया? इसमें लिखा है। अरे जीजा जी, बहना, अरे मुबारक हो, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या भैया, घर में मातम छाया हुआ है और तुम जश्न मना रहे हो, मिठाइयां बांट रहे हो? यही तो रोना है। अरे इस घर में मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। आज एक नहीं 2 खुशखबरी लेके आया हूँ। लंदन से सेठ पीताम्बर बजाज का लड़का विकी आ रहा है, अरे जिससे हमारी काजल का ब्याह तय हुआ है। तेरी अकल क्या खास समझेंगे ये बातें, ये खुशखबरी? विकी आ रहा है और काजल घर में नहीं है, क्या जवाब देंगे उन्हें? अजी यही बात तो बताने के लिए आया हूँ मैं आपको। हमारी बिटिया चंदनपुर में किसी किशन के घर में रह रही है। सच? हमारी बेटी मिल गई? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। चाहिए, हमारी बेटी को लाइए। अरे, अरे बबलू, चिंटू बात है वहां से। चिंटू, अरे काजल कहाँ हो? बबलू वहाँ, हाँ। अरे राजा, राजा, ए पकड़ लिया, ए राजा, अरे पकड़ लिया। छोड़ो ना राजा, नहीं छोड़ो, छोड़ो ना काजल दीदी, आओ प्लीज, छोड़ो प्लीज राजा। कैसे छोड़ दूँ? बच्चे देख रहे हैं, छोड़ो ना। बहुत मुश्किल से हाथ आई हो राजा, प्लीज। अरे तुम तो आउट हो चुकी हो, भाग आ रही हो। वो तो हमने भी देखा है, काजल की आउट हो चुकी है। अब तुम्हारे पट्टे बांधेंगे, चलो। राजा चिंटू, राजा
अरे क्या हुआ काजल? माँ बाप के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि औलाद उनके साये से भी दूर भागे। ये दूरी करीबी में बदल सकती है, बस आप दोनों को अपना फैसला बदलना होगा। हमारी मौजूदगी इस बात की दलील है कि हम बदल चुके हैं। मैं नहीं मानता किशन भैया, इसमें भी इन लोगों की कोई चाल है। तुम्हारा शक करना जायज है बेटे, क्या कुछ जुल्म नहीं ढाया हमने तुम पर, लेकिन कयामत हम पर भी आई है। तुम्हें काजल से दूर करने की कोशिश में हमने अपनी बेटी गंवा दी। मुझे दुनिया वालों का खौफ नहीं है, लेकिन घर की दीवारें मुझसे पूछती हैं कहां है तुम्हारी बेटी। सुमन इसके कब्र में बैठी इसके कपड़ों को लिपटाए रोती रहती है, कभी इसकी किताबों को चूमती है, कभी इसकी तस्वीरों को लिपटाती है। हराहट पर दादी बात चौंक कर पूछती है, आ गई मेरी काजल? और मैं, मेरे पास इन्हें तसल्ली देने के लिए शब्द तक नहीं बचे। डैडी, बेटा, आओ। बेटी को तो गले लगा लिया, दामाद को गले नहीं लगाओगी? आजा बेटा। किशन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे बच्चों को पनाह दी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बेशक, मगर इन दोनों की शादी के बाद। लेकिन काजल तो 18 साल की नहीं हुई। हम जानते हैं भाभी जी, इसलिए हम इन दोनों की सगाई कर देना चाहते हैं। आपका फैसला सर आंखों पर, बस एक विनती है, अगर इन बच्चों की सगाई हमारे यहां होती तो इन्हें अपनी दादी का आशीर्वाद मिल जाता, बाकी जैसी आपकी मर्जी। दादी मां का जिक्र करके आपने मुझे मजबूर कर दिया। जाओ काजल। ए राजा, अपनी सगाई में इस भैया भाभी को बुलाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, इजाजत दीजिए। नमस्ते। जा। चलो राजा, आओ काजल। नमस्ते जी। नमस्ते माँ दादी। हाँ, माँ दादी। आ गई, माँ मेरी दादी। बच्ची। मेरी बेटी काजल, मेरी काजल। मुझे आपकी बहुत याद आई माँ दादी। कहाँ गई थी माँ दादी? दादी माँ, हाँ, इसे ऊपर ले जाइए। चल चल मेरे साथ चल, भगवान ने मेरी सच मुझ सुन ली। आ गई, मेरी जान में जान आ गई। अब तुम यहां किस लिए खड़े हो? तुम क्या समझते हो कि तुम्हें यहां शादी कराने के लिए लाए हैं? भूल जाओ काजल को, क्योंकि उसकी शादी लंदन के सबसे कामयाब बिजनेसमैन पीतांबर बजाज के बेटे विक्की से होने वाली है। तूने ही कहा था ना, सैलाब आने वाला है, हमें बच के रहना चाहिए। अरे तू तो एक तिनके की तरह जीजाजी की एक फूंक से उड़ गया। अब तू यहां से जाता है या धक्के मार के बाहर निकालूं? अरे अरे वहां कहां जा रहा है तू? जी जी
माँ दादी हाँ? किशन भैया और राधा भाभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ? वो दोनों मुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते अच्छा? हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ? प्रणाम दादी माँ। जीते रहो बेटा। आओ काजल। राजा हाँ? चलो काजल। क्या हुआ? अरे काजल You are under arrest. मैं तुम्हें एक नाबालिग लड़की को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी मामा। बेवकूफी मत कर, अभी तो तेरे डैडी ने उस कमीने को सिर्फ पुलिस में पकड़वाया है। अगर तूने इस सगाई से इनकार कर दिया तो ऐसा ना हो कि वो पुलिस स्टेशन से जिंदा ही ना लौटे। जल्दी से तैयार हो जा। माँ के सारा इंतजाम तो ठीक से हो गया ना? उसकी फिक्र। क्या बात है इंस्पेक्टर? इन साहब का यह दावा है कि लड़की आपकी बेटी नहीं बल्कि इनकी बहन है। What nonsense! सारा शहर जानता है कि काजल दुर्गेश महेश्वरी की बेटी है, लेकिन इनका कहना यह है कि ये इनकी बहन किरण है। अरे वाह इंस्पेक्टर, कल को ये किसी भी खूबसूरत लड़की को कहेंगे कि वो इनकी पत्नी है, क्या आप मान लेंगे? इनके पास सबूत है। देखिए इंस्पेक्टर, ये महज इस सगाई को रोकने की एक नाकाम कोशिश है। ये नहीं, ये इस सगाई को रोकने की मुकम्मल कोशिश है। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं बौखलाया करते। लेकिन कभी कभी मामूली चींटी भी हाथी के लिए जानलेवा साबित होती है। सुमन, काजल का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट वगैरह लेकर आओ। जी। लीजिए। यह रहा मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, यह उसका आइडेंटिटी कार्ड और यह उसका पासपोर्ट, देख लीजिए। ये बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक मेरी बेटी को अभी बालिग होने में 2 हफ्ते बाकी। अगर बालिग हो गई होती तो आज उसकी सगाई पर नहीं शादी पर मौजूद होते आप लोग। मैं अपनी बहन की शादी तो राजा के साथ तय करना चाहता हूं, और मेरी बहन की उम्र इस वक्त 20 साल है। यह रहा बर्थ सर्टिफिकेट और यह रहा पासपोर्ट। ये सब बनावटी है, जाली। आज के दौर में नकली क्या नहीं बन सकता इंस्पेक्टर? सबूत जाली हो सकते हैं, रिश्ता नहीं। हाँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काजल, तू हमारी बेटी है ना? इंस्पेक्टर को बता दे कि आदमी तेरा कोई नहीं लगता। आप बोलती क्यों नहीं? आप दुर्गेश महेश्वरी की बेटी हैं या किशन बंसीधर की बहन? आप बोलती क्यों नहीं? मैं दुर्गेश महेश्वरी की बेटी नहीं, मैं किशन भैया की बहन किरण हूँ। काजल, ये क्या तमाशा कर रही है? तू होश में तो है काजल? क्या कह रही है तू? भैया घर चले। काजल, लुक मिस्टर, आइंदा किसी शरीफ आदमी पर गलत इल्जाम लगाकर कानून को गुमराह न करें। एक मिनट इंस्पेक्टर, रस्में दुनिया भी है, दस्तूर भी है और मौका भी। मैं आप सबके सामने अपनी बहन किरण की सगाई राजा से तय करता हूं। लो राजा,
अंगूठी पहना दो। बेटी की सगाई पर ताली नहीं बजाओगे? चलो राजा, मंगला काली भद्रकाली कपालनी द्वारका चरासांसादी सासनाख। कितने बेसुरे हैं, तौबा तौबा तौबा, क्या कर रहे हैं ये लोग। ए चुप, शादी की शहनाई बजा रहे हो या मातम की? ऐसी शहनाई सुनकर तो मेहमान भाग जाएंगे। ठीक से बजाओ, नहीं तो हम बजा कर दिखाएं। हैं, बजाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके चरणी धन्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। ओम अग्ने स्वाहा, ओम जलधे स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवाय नमः स्वाहा। मिस्टर किशन, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? बहन की शादी करवाना जुर्म है। बहन की शादी कराना जुर्म नहीं है, लेकिन किसी की बेटी को बहला कर जबरदस्ती उसकी शादी कराना जुर्म है। मैं साबित कर चुका हूं कि यह आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहन किरण है। कानून की नजरों में तुमने धूल झोंकी है। यह लड़की सेठ दुर्गेश महेश्वरी की बेटी है। तुम्हारी बहन तो आज से 2 साल पहले मर चुकी है। यह रही उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। मैं आपको और राजा को एक नाबालिग लड़की को बहकाकर उसकी जबरदस्ती शादी करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर, इन दोनों को अरेस्ट कर लो। राइट, कम ऑन मूव। इसे कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। तूने हमारे घर में घुसकर विकी और काजल की सगाई रोकी थी ना, अब मैं इनकी शादी के लड्डू जेल में आकर तुझे खिलाऊंगा। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी मामा। काजल, कमिश्नर साहब, मेरे भैया और राजा को छोड़ दीजिए। सवाल ही नहीं उठता भांजी, ये दोनों तो अब गए। कमिश्नर साहब, आपने इन्हें इसलिए गिरफ्तार किया है ना कि इन्होंने एक नाबालिग लड़की की शादी कराने की कोशिश की। जी डैडी, आज तारीख क्या है? 22 अगस्त। 22 अगस्त यानी आपकी बेटी का 18वां जन्मदिन। कानून के हिसाब से आज मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ और एक बालिक लड़की को उसकी मर्जी से शादी करने से धर्म, समाज और कानून कोई नहीं रोक सकता। Am I right? Yeah, that's right. इंस्पेक्टर, छोड़ दो इन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं कमिश्नर साहब? इस बच्ची का तो दिमाग खराब है, लेकिन आप तो समझदार हैं। रोकिए इसे। इस भूखे नंगे से शादी करके अपनी जिंदगी नरक बना रही हो तो सिवाय गरीबी और जिल्लत के ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। जिंदगी के 18 साल तुम ऐशो आराम में पली हो और तुम्हारी बाकी की जिंदगी में 18 मिनट की खुशियां देने की औकात नहीं है इसकी। आप 18 मिनट की बात करते हो डैडी, मैं तो राजा के साथ 18 जन्मों का दुख भी
खुशी से बांटने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं होने दूंगा ये शादी, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मिस्टर महेश्वरी, आप अपने जज्बातों पर काबू रखिए। अगर आप ये शादी रोकने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इंस्पेक्टर चलो। क्यों मामा, इस मौके पर कोई मुहावरा याद आ रहा है? अरे तुम लोग चुप क्यों हो, बजाओ। ये हुई ना बात। भाई साहब, हमें उम्मीद तो नहीं थी कि आप इस शादी में आएंगे, मगर आ ही गए हैं तो आशीर्वाद जरूर देके जाइएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है भैया। किशन, मत हाथ लगा मुझे, मर गई तेरी दादी माँ। अरे तू कैसा बाप है रे, देख देख अपनी बेटी की बेबसी और लाचारी तो देख। दौलत और आराम तो तूने बेपनाह दिया उसे, लेकिन ममता की दौलत से वो हमेशा महरूम रही, और तू औलाद की मोहब्बत से। सुना था ये बेटी के आंसू उसके दामन पर नहीं माँ के दिल पर उतरते हैं, लेकिन तेरा कलेजा तो पत्थर का हो गया है, पत्थर का, जो उसकी चीखें सुनकर करवट तक नहीं लेता। और एक वो दिन क्या लगता है इसका, न खून का रिश्ता है न दूध का, सिर्फ भाई ही तो कहती है वो उसे, लेकिन उस रिश्ते के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है। और तुम दोनों अपनी ही बेटी की जान लेने पर तुले हुए हो। बस दादी माँ, आपकी बातों ने मेरे ममता को झिंझोड़ दिया, अब मैं अपने बेटे के साथ कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। हाँ। कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दो दादी माँ, मुझे माफ कर दो, मैं काजल की खुशियां अब नहीं सुनूंगा। काजल की शादी वही होगी जहां वो चाहेगी। उसकी शादी राजा के साथ ही होगी दादी माँ। हाँ दादी माँ, राजा के साथ। चीरा, छोड़ दो इन सबको। अरे छोड़ कैसे थे दुर्गेश भैया। अरे काय का भैया, कौन सा सगा भाई हूं मैं तेरा? औलाद नहीं होती थी तो तेरे बाप ने मुझे गोद लिया था, और तेरे पैदा होते ही मक्खन से बाल की तरह मुझे बाहर फेंक दिया। लेकिन मैं भी गिद्ध की तरह तेरी तेरे छत पर बैठा रहा। काजल के पैदा होते ही मैंने फैसला कर लिया था कि इसकी शादी मैं अपने बेटे विक्की से कराऊंगा। आपका बेटा? हाँ। अरे ये कोई पीताम्बर बजाज का बेटा नहीं है, बांके का खून है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। चीरा देख क्या रहा, ले चल, चल, ले चल। किशन भैया, किशन भैया, किशन भैया, किशन भैया, किशन भैया। Oh, my God.
मेरे बेटे की जान बख्श दे, हमें माफ कर दे किशन, हमें माफ कर दे, माफ कर दे। चल जा यहां से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरि ओम अग्न्याग्रं स्वाहा ओम अर्ण देवता स्वाहा ओम पृथ्वी देवता स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा। वाह राजा भैया, आखिर में टाका मार ही दिया ना, टाका लगा के।